नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना मतेश्या। दिन मंगलवार को यज्ञ स्थल महेशपुर में सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज अपनी टीम के साथ यज्ञ में शामिल होने पहुंचे। इनके द्वारा दोपहर में प्रवचन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद रहे। शंकराचार्य बुधवार तक उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रवचन के दौरान शंकराचार्य ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। गौरक्षा की बात भी इनके द्वारा कही गयी। देश की दुर्दशा का कारण भ्रष्टाचार एवं नेताओं की गलत नीति को बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतियों में सुधार से भारत दुनिया को गति देने में सक्षम हो सकता है। भारत अनादिकाल से शांति, सौहार्द व एकता का संदेश लोगों को देता आ रहा है। मोबाइल के साथ घर पर बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए शस्त्र भी होना चाहिए, ताकि कोई आपकी बहन बेटियों पर कोई बुरी नजर न डाल सके। वो जो समझा नहीं, जो पढ़ा नहीं, आज ऐसे कल्चर संस्कृतियां इस देश पर हावी हो रही। इसलिए किसी भी परिस्थिति और स्थिति में अपने धर्म का स्वधर्मम निधनम से परधर्मम भयावह। आज बहुत सी संस्कृतियों के लोग गरीब, असहाय, अमुहार, मेघालय, बस्तर, सरगुजा, अंबिकापुर, वैकुंठपुर आदि कई क्षेत्रों में गए। उन ग्रहवासी वनवासियों से हमने पूछा, जिसको सरकार कहती है आदिवासी, सरकार मतलब यहाँ लोगों के साथ भ्रम भ्रांति पैदा कर दोहरी भूमिका का अदा करती है। अनादिवासी नहीं, आदिवासी इस देश के अनादिवासी हैं। वो राम को अपने पूर्वज मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। हमारी चर्चाएं हुई आंध्रा में भी, हम कहे आप किसको मानते हो, कह महाराज हम तो राम को मानते हैं। कहे क्यों, कह महाराज राम भी काले थे, हम लोग भी काले हैं। राम जी की भी पत्नी को बाहुबली अपहरण कर लिए, हमारी भी बहन बेटी है। पूंजीवादी लोग अपहरण कर ले जाते हैं, हम शिकायत भी करते हैं, कोई सुनाई नहीं होता। और कृष्ण जी भी काले थे, जेल में पैदा हुआ, माँ बाप को बंदी बना लिया, तो हम लोगों के भी मकानों को उजाड़ दिया जाता, आदि आदि। मतलब कोई भारत का जो मूल वासी है, और अभी उत्तराखंड के बद्री नारायण में रोजा इफ्तार के समय कुछ चंद कठमुल्लों ने मीटिंग किया और कहा, नाथ लिख देने से ये हिंदुओं के देवी देवता नहीं होंगे, तो तुम चंद उल्लू के पट्टे अंधे पहरे अगर तुमको सुनाई पड़े तो तुम चिल्लाओ क्यों, तुम्हारा परमात्मा अंधा है, पहरा है, लूला है, लंगड़ा है। कहते हो निराकार उसका आकार नहीं है, तो जब भाई आकार नहीं है तो उसके हाथ कहाँ होगी, हाथ कहाँ होगा, पैर कहाँ होगा। तो जो आपके सनातनी राम है, जिसका चर्चा भी व्यास जी के कि राम जी का ये ननिहाल है, राम जी इस प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये आनंद दूसरे धर्म वालों को कहाँ मिलेगा। उनके कहने मात्र से, या एक हैदराबादी कुत्ता भौंकता रहता है और कहता है, क्या कहता है कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, और तो लेकिन भारत में आईपीसी सीपीसी का नियमतः पालन नहीं होता, और अगर पालन हुआ होता। Audio Jungle.